जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आपकी जो शादीशुदा जीवन है उसमें पति पत्नी के बीच दरार आ गया होगा, या कहीं सगाई हो गई होगी तो वहाँ भी शादी में दरार आ गई होगी, या किस कारणवश शादी टूट गई होगी। कुल मिलाकर जो प्रेम है, या तो दाम्पत्य में हो, या पति पत्नी के बीच की बात कहूँ, या प्रेमी प्रेमिका के बीच कहूँ, यहाँ की जो दरार है हम उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ की जो दरार है, इस दरार का क्या कारण है और इस दरार को कैसे भरा जा सकता है, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है पति पत्नी के बीच, या बहुत से मसले दोनों के बीच चलते हैं, उन सभी को आज हम कवर करेंगे और उन पर आपको सही राय देंगे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर इन चीज़ों से बच पाएंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में आपको जय श्री महाकाल लिखना है और जो भी आपकी राय हो खुलकर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात, जब दो व्यक्तियों के बीच प्रेम होता है, प्यार होता है, तो तकरार भी होती है और छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है। तो पहली बात, किन छोटी मोटी नोक झोंक को होने दें और इन्हें करते भी रहें। इससे क्या होता है कि जो दोनों के बीच, जो दोनों के मन में जो एक छोटा सा जहर जो पल जाता है, क्या वो जहर हमारे उस छोटी छोटी नोक झोंक से बाहर आ जाता है और हम फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। तो पहली बात है कि इन चीज़ों को इतनी गंभीरता से आपको नहीं लेना चाहिए। उन बातों को एक कैजुअली, केवल और केवल 24 घंटे की बात होती है, 24 घंटे 48 घंटे, बुरा मानिए अच्छा मानिए, और ये जो तकरार है इसमें आगे बढ़ जाइए। ये हमारी सेहत के लिए, हमारे इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि बहुत से दंपतियों के कोर्ट केस चल रहे होंगे तलाक के, कि सबसे ज़्यादा आजकल ये चीज़ें आ रही हैं कि अफेयर्स जो हैं, कि शादी के बाद जो दूसरे अफेयर्स हैं, प्लीज़, सबसे बड़ा कारण यही है कि शादी के बाद दूसरों से अफेयर जो हैं उसी वजह से सबसे अधिक तलाक हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से भी आप सावधानी बरतें और कोशिश करें कि आप नीट एंड क्लीन रहें, और ये विश्वास रहे आपकी पत्नी पर, पति को, दोनों को ये रहे, कहीं भी शक और संशय नहीं हो। ये आपकी ईमानदारी, इसमें सिर्फ आपको यही मेरे रहस्य बता सकता हूँ कि आपको पूर्ण ईमानदार रहना पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं करनी होगी। आप चाहे कितना भी करें, कितना भी बचाएं, अंततः एक बार सामने आ ही जाता है। तीसरी बात है कि कभी भी किसी के कहने और सुनने में आकर आप अपने दोनों के बीच का फैसला मत लीजिए, चाहे वो कितना घनिष्ठ और ख़ास क्यों ना हो, क्योंकि पति पत्नी के बीच एक दूसरे को वो खुद ही जानते हैं बहुत ज़्यादा, कोई अन्य नहीं जानता है, या कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात है, वो खुद ही जानते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें उतने अच्छे से नहीं जानता है। केवल वो तो चाहता है कि दोनों के बीच दरार हो जाए, और ऐसे लोगों की तादाद आज बहुत हो गई है। एक अच्छा भरा पूरा परिवार है उसे वो नेगेटिविटी में डाल देता है। तो आप परवाह करें अपने बच्चों की, अपने पत्नी की, अपने परिवार की, और एक सही डिसीजन ले, एक निष्पक्ष डिसीजन ले, चाहे उसमें आपका थोड़ा आहित हो, लेकिन वो आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा है। तो उन लोगों को आप अवॉइड करें, उन लोगों की राय को अवॉइड करें, उन लोगों की राय को अवॉइड इस तरह से करें कि जो बिल्कुल भी कहीं भी टेली करके सही नहीं हो रही है, और उन बातों को हम पर थोपा जा रहा है और हम उस बातों को सुनकर रिएक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। चौथी बात है कि आप जो भी बात हो पति पत्नी की भी बात, आप एक दूसरे से बात करें, और बात करने के बाद फुल एंड फाइनल करें कि क्या करना है। आजकल दोस्तों एक और बात है कि खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं शराब से, कि उनके पति शराब पीते हैं और इससे कई सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप शराब मत पीजिए, उसे छोड़िए, क्योंकि देखिए उनका जितना आप पर अधिकार है, तो उस अधिकार के लिए आप इतना अपना कर्तव्य पालन करें कि इन व्यसनों को छोड़ दें। तीसरी बात जो, एक और पांचवी बात, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो हाथापाई, ये बहुत ज़्यादा इस दौर में देखी जा रही, बहुत से केस भी आ रहे हैं, तो इनसे प्लीज़ बचें। महिलाओं का बहुत सम्मान आप करें, कि महिला हमारी पत्नी होने से पहले देवी का स्वरूप है, वो ईश्वर तुल्य है और वो भगवान का स्वरूप है। तो आप इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखें और इस चीज़ की इज्जत करें, आपका कभी अहित नहीं होगा। तो दोस्तों आप अपनी राय लिखें कमेंट्स में, कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे इसे, और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे, और वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।